नमस्कार, आज बात करेंगे डिप्रेशन एवं उसकी एक दवा के बारे में। डिप्रेशन माने क्या, मतलब किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। जो चीज़ पहले आपको अच्छी लगती थी वो चीज़ भी अभी अच्छी नहीं लग रही है। पूरा दिन आप ऐसे बैठे रहते हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, हर चीज़ बुरी लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन को एक एग्जांपल से समझा सकते हैं कि मान लो आपका एक फ़ैन है, ठीक है, और फ़ैन है धीमा हो गया है तो क्या दिक्कत होगी कि वो जो उसका करंट आ रहा है, कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, किसी की चीज़ में प्रॉब्लम है, उसमें जो करंट आ रहा है वो फुल करंट नहीं आ रहा है। इसलिए पंखा अपनी जो ऑप्टिमम स्पीड है उस पर काम नहीं कर रहा है। जैसे पंखा इलेक्ट्रिसिटी के करंट के कारण चलता है, वैसे हमारा शरीर भी है वो हमारे नर्व्स यानी चेतातंतु में जो करंट दौड़ता है उसके कारण चलता है, उसमें कोई दिक्कत होगी तो ऐसा हो सकता है। अब नर्व्स होती हैं वो एक स्ट्रेट वायर नहीं होते, हमारे शरीर में सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों प्रक्रियाएँ होती है। मान लो आपको यहाँ से करंट यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है, तो एक नर्व्स कंटिन्यू नर्व्स नहीं होगी, नर्व्स बीच में गैप होगा, फिर से एक नर्व्स आएगी, उसके बीच में गैप होगा, फिर से एक नर्व्स आएगी, मतलब कितनी सारे गैप के बाद नर्व्स जुड़ती जाती है। और वो जो गैप होता है, मतलब दो नर्व्स के बीच में गैप होता है, उसमें कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वो केमिकल डिसाइड करते हैं कि यहाँ वाला करंट आगे पास करना है कि नहीं करना है। यही है न्यूरोसाइंस का बेस। मतलब आपके पास यहाँ से करंट आया लेकिन यहाँ पे जो केमिकल होने चाहिए वो केमिकल नहीं है या निकल नहीं रहे, तो क्या होगा, यहाँ से करंट इस नर्व्स में पास नहीं होगा, मतलब ब्रेन कितना भी सिग्नल आगे भेजेगा हाथ तक नहीं पहुँचेगा। वैसे ही पूरी बॉडी में जो करंट दौड़ता है, जो चेतातंत्र का यानी कि नर्वस सिस्टम का करंट दौड़ता है, वो ऐसे ही दौड़ता है। तो डिप्रेशन में क्या हो सकता है कि यहाँ से स्टिम्युलेटरी इफेक्ट करने वाले जो केमिकल होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जो इस दोनों नर्व्स के बीच में जो स्टिम्युलेट करने वाले केमिकल है उसकी मात्रा को पकड़ के रखे, मतलब वो केमिकल नष्ट ना हो जाए। जैसे एक दवा आती है एसिटालोप्राम, वो क्या काम करती है, दो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच सेरोटोनिन एक वो केमिकल होता है उसे वापस अंदर नहीं जाने देती। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, उसका पूरा मेथड ये नाम से जाना जाता है। मतलब दोनों के बीच सेरोटोनिन ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो यहाँ से यहाँ करंट ज़्यादा जोर से पास होगा तो डिप्रेशन कम होगा। ऐसे काम करती है डिप्रेशन की दवाइयाँ।